दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। दुनिया से पेट्रोल और डीजल की कारों का प्रचलन कम हो सके, इसके लिए तेजी से इस ओर काम भी किया जा रहा है। इस कड़ी में ब्रिटेन ने एक बड़ा फैसला लिया है। ब्रिटेन में 2030 से पेट्रोल और डीजल की कारों पर बैन लग जाएगा। दरअसल ब्रिटेन ने पेट्रोल और डीजल की कारों को 2040 तक बंद करने का फैसला किया था, जिसे बदलकर डेडलाइन को 2035 किया गया। लेकिन बोरिस जॉनसन ने इस डेडलाइन में 5 साल और कम करते हुए पेट्रोल और डीजल की कारों पर 2030 से बैन लगाने का फैसला लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की ओर से 2030 से ही इस फैसले को लागू किया जा सकता है। वहीं भारत में भी इस ओर कदम बढ़ाए जा चुके हैं। 2017 में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया था कि 2030 तक देश में 100% कारें इलेक्ट्रिक होंगी। हालांकि इस ऐलान से ऑटो इंडस्ट्री की चिंता बढ़ गई थी, जिसे देखते हुए इस ऐलान में बदलाव कर दिया गया। 100% की जगह इस टारगेट को घटाकर 30% कर दिया गया। हालांकि अब सरकार कारों की बजाय दोपहिया वाहनों और थ्री व्हीलर ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक मोड में लाने पर ज्यादा जोर दे रही है। हालांकि अगर देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को 100% करना है तो पहले इलेक्ट्रिक कार को एक आम आदमी के लिए खरीदने लायक सस्ता करना होगा, क्योंकि जहां एक सामान्य डीजल कार औसतन 5 लाख रुपए में आ जाती है, वहीं एक इलेक्ट्रिक कार की कीमत 20 लाख या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। वहीं पेट्रोल और डीजल से जिस कदर हवा में जहर घुल रहा है, उसे देखते हुए इलेक्ट्रिक कार का विकल्प काफी सस्ता भी है और जरूरी भी। लेकिन पेट्रोल और डीजल के वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन रिप्लेस कर सकें, ये इतना भी आसान नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्ट्रिक कार का ईंधन खर्च डीजल पेट्रोल कार की तुलना में आधा होगा। लेकिन इन कारों की चार्जिंग एक बड़ी दिक्कत है, क्योंकि भारत में अभी प्रॉपर चार्जिंग स्टेशन मौजूद नहीं है। वहीं डीजल पेट्रोल कारों के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। वहीं इलेक्ट्रिक कार को तेजी से चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जर पर अलग से आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक कार की कीमत में और इजाफा कर देते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस के लिहाज से इलेक्ट्रिक कारें काफ़ी अच्छी होती हैं। डीजल और पेट्रोल कारों की तुलना में इनका पिकअप काफ़ी अच्छा होता है। साथ ही आवाज़ ना होने की वजह से इसमें ट्रैवल करना भी काफ़ी बेहतरीन अनुभव होता है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा, क्या 2030 तक पेट्रोल और डीजल की जगह कोई और ईंधन ले पाएगा, या इलेक्ट्रिक इसका एकमात्र विकल्प रहेगा।